हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल इन वन नॉलेज। कल ग्रेटर नोएडा में एक ही मुकाबला होगा और वो खेला जाएगा यू मुंबा और हरियाणा स्लेयर्स के बीच। दोनों ही टीमें अभी प्लेऑफ में क्वालिफाई हो चुके हैं, तो दोनों ही टीमें चाहेंगी कि प्लेऑफ के पहले जो अपनी टेबल पोजीशन है वो ज़रा सी इम्प्रूव कर ले, क्योंकि पहले जो दो टीमें हैं वो डायरेक्टली सेमीफाइनल खेलेंगी और सेमीफाइनल के लिए जो और दो टीमों का चयन होगा वो उसी 3 और 6 नंबर में से होगा। हालांकि यू मुंबा अभी पाछे पायदान पर बनी हुए, तो वो चाहेंगी कि कल का मुकाबला जीत कर वो टेबल पोजीशन में अपनी जो जो पोजीशन है ज़रा थोड़ी सी इम्प्रूव करे। आते हैं यू मुंबा के ऊपर, तो यू मुंबा में जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही काफ़ी अच्छे रेडर, जिसमें आप देख सकते हो अभिषेक सिंह जो कि उनके रेडिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनको सपोर्ट करने के लिए रोहित बलियान जैसा एक अच्छा रेडर है, उनके साथ साथ जो कि उनको सपोर्ट करते वो है एम एस अतुल जिन्होंने अभी तक शानदार परफॉर्मेंस दिया है, डोंग जी ऑन ली जो कि साउथ कोरिया के एक अच्छे रेडर है वो भी है जो कि अच्छे लेफ्ट रेडर है। बात की जाए जहाँ तक जो कि अर्जुन देसवाल है जो कि जिन्होंने अच्छा खेला था, हालांकि वो इंजर्ड है, अजिंक्य कापरे जैसा एक अच्छा ऑलराउंडर है यू मुंबा के पास। तो गाइज आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा यूनिट है रेडिंग का यू मुंबा के पास जो कि कल के मैच में खेलेगा। खाली जो थोड़ा डाउट है वो अर्जुन देसवाल के ऊपर है, क्योंकि वो इंजर्ड हो चुके हैं और शायद कल के मैच में भी नहीं खेल सके, क्योंकि प्लेऑफ के पहले यू मुंबा चाहेगी कि वो पूरी तरह से फिट हो जाए, क्योंकि उन्होंने हर एक क्रुशल मोमेंट पे अच्छा सपोर्ट किया है, टीम को अच्छे पॉइंट ला के दिए है। तो अर्जुन देसवाल छोड़ के सभी रेडर अच्छे फॉर्म से गुजर रहे, खास करके अभिषेक सिंह। इन रेडर के सामने चैलेंज होगा हरियाणा स्लेयर्स का जो अच्छा डिफेंस है, जिनके बदौलत वो अभी तक इस प्लेऑफ में क्वालिफाई हो चुके हैं। तो उनमें आप देख सकते हो धर्मराज चेरलाथन जैसा एक एक्सपीरियंस होल्डर है जो कि कौन से ही पोजीशन पे खेलता है, कभी वो कवर खेलते हैं, कभी राइट कॉर्नर, कभी लेफ्ट कॉर्नर, तो धर्मराज चेरलाथन है। जहाँ तक बात की जाए सुनील है उनके डिफेंस में जो कि बहुत ही अच्छा राइट कॉर्नर में सपोर्ट दे रहे धर्मराज चेरलाथन। रवि कुमार जैसा एक अच्छा कवर का खिलाड़ी है। बात की जाए विकास काले जैसा एक अच्छा कवर का खिलाड़ी है जो कि अच्छे डैश के लिए जाने जाते हैं विकास काले। तो गाइस आप देख सकते हो कि अच्छा यूनिट है डिफेंस का हरियाणा स्टीलर्स का। तो अभिषेक सिंह और कंपनी के सामने चैलेंज होगा कि इन डिफेंडरों के सामने पॉइंट स्कोर करे। हालांकि अभिषेक सिंह जो कि मैच बाय मैच बहुत ही अच्छा इम्प्रूव करते जा रहे हैं और यू मुंबा के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि कल के मुकाबले में अभिषेक सिंह के ऊपर ज़्यादा दारोमदार होगी यू मुंबा का पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की। अब बात करते हैं हरियाणा स्लेयर्स के रेडिंग डिपार्टमेंट की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके पास विकास कंट्रोल जैसा एक स्टार रेडर है जो कि जहाँ जो भी सुपर 10 लगाता है उनकी टीम जीत जाती है। तो देखते हैं कल के मैच में वो जो एक टैक्टिक है वो कल काम आती है कि नहीं। उनको सपोर्ट करने के लिए प्रशांत कुमार राय जो कि अच्छे ऊँचे कद काठी के लेफ्ट फील्डर है वो भी है। जहाँ तक बात की जाए उनको सपोर्ट करने के लिए आप देख सकते हो विनय जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में हरियाणा स्लेयर्स के लिए, तो वो भी है। नवीन कुमार जैसा एक अच्छा ऑलराउंडर भी उनके पास, कुलदीप सिंह जो कि यू मुंबा खेल चुके हैं तो कुलदीप सिंह भी है। तो गाइस आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे रेडर है हरियाणा स्लेयर्स के पास, जिनमें से विकास कंट्रोल एक स्टार रेडर है। बट गाइस उनके सामने भी चैलेंज बहुत ही टफ होगा, क्योंकि यू मुंबा का जो डिफेंस है जो कि आप देख सकते हैं कि उनको डिफेंस को लीड कर रहे हैं वो है सुल्तान फजल अतरच अली जो कि सुल्तान माने जाते हैं डिफेंस के। उनको सपोर्ट करने के लिए सुरेंद्र सिंह है जो कि कवर के खिलाड़ी है। संदीप नरवाल जैसा एक अच्छा ऑलराउंडर है यू मुंबा के पास। बात की जाए उनके पास हरिंदर कुमार जैसा एक अच्छा कवर का खिलाड़ी है। जहाँ तक बात की जाए उनके पास आप देख सकते हो यंग चैंग को भी है जो कि साउथ कोरियन खिलाड़ी है। तो गाइस आप देख सकते कि कल का मुकाबला बहुत ही रोमांचकारी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि दोनों टीमों का डिफेंस और दोनों टीमों का रेडिंग यूनिट बहुत ही अच्छा है। तो गाइस कल कौन सा टीम विन होगी उसे प्रेडिक्ट करना ये बहुत ही मुश्किल है। हालांकि यू मुंबा का पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भारी लग रहा है कंपेयर टू हरियाणा स्लेयर्स, तो देखते हैं कल के मैच में क्या होगी। तो आइए गाइस जहाँ पे हमारा सेक्शन है, जहाँ पर हमको बेस्ट 7 प्लेयर पिक करने फ्रॉम बोथ द साइड, उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा जो कि सबके माई टीम 11 और ड्रीम 11 में रहेंगे और जिन पर सबकी नज़रें रहेंगी उसके लिए आपको सजेशन दूंगा। अगर सजेशन अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैच के पहले आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी टीम खिलानी है, क्या चेंजेस करने हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आप चेंजेस कर सकते हो। डिफेंडर जैसे कि मैंने कहा फजल है, सुरेंद्र है जो कि यंग चैंग को है जो कि साउथ कोरियन खिलाड़ी है, जैसे कि मैंने कहा हरिंदर कुमार है
तो देख सकते गाइस बहुत ही अच्छा डिफेंस यूनिट है यू मुंबा के पास। बात करें हरियाणा टाइटंस की तो धर्मराज चरलाथन है, सुनील है, विकास काले है, रवि कुमार है, जो कि बहुत ही अच्छा एक एस्टेब्लिश्ड डिफेंस यूनिट है हरियाणा टाइटंस का। बात करते हैं ऑलराउंडर की, जैसे कि मैंने कहा संदीप नरवाल यू मुंबा के लिए हैं, अजिंक्य कापरे जो कि अच्छे रेडर भी माने जाते हैं, अच्छे ऑलराउंडर है। बात की जाए हरियाणा टाइटंस के पास तो कुलदीप सिंह है, जहाँ पर नवीन है जो कि अच्छे ऑलराउंडर है। अगर बात की जाए प्रॉपर रेडर्स की तो जैसे कि आप देख सकते हैं विकास कंडोला, जिनको 84% लोगों ने सिलेक्ट किया, उनको सपोर्ट करने के लिए विनय है, प्रशांत कुमार रहा है। एवंबा की बात की जाए तो अभिषेक सिंह स्टार रेडर, जिनको 81% लोगों ने सिलेक्ट किया है, उनको सपोर्ट करने के लिए रोहित बलियान है, एम एस अतुल है, जहाँ पर आप देख सकते हो डोंग जियोन ली है, जहाँ पर बहुत सारे अच्छे रेडर है। माफ़ कीजिएगा चांद सिंह भी है, जो कि हरियाणा टाइटंस के लिए बहुत ही अच्छा डिफेंस में करते आ रहे। तो गाइस आइए शुरू करते हैं, जहाँ पर हमको 7 प्लेयर पिक करने, स्टार्ट विद दी रेडर, जहाँ पर मैं आपको कहूँगा विकास कंडोला और अभिषेक सिंह, इन दोनों को हमको टीम में रखना है। अब बारी आती किसी थर्ड रेडर को पिक करने की, तो थर्ड रेडर के लिए आपको एक चॉइस कहूँगा कि आपके पास मैं सतुल है, मैं आपके पास अर्जुन देसवाल, माफ़ कीजिएगा अर्जुन देसवाल नहीं खेलेंगे, रोहित बलियान है और प्रशांत कुमार राय। तो मैं आपको कहूँगा कि आप प्रशांत कुमार राय को सिलेक्ट कीजिएगा। जी हाँ, प्रशांत कुमार राय अच्छा ऑप्शन है कल के मैच में, जो कि लेफ्ट राइटर, उनके सामने संदीप नरवाल रहेंगे, संदीप नरवाल जो कि अच्छे खिलाड़ी है और एज अ ऑलराउंडर, तो जैसे कि हमने ऑलराउंडर में संदीप नरवाल को पिक करना है, जो कि अच्छा डिफेंस कर सक करते हैं। अगर बात की जाए हमने एक ही ऑलराउंडर सिलेक्ट की कर सकते हैं अभी यहाँ पे, जैसे कि आप मोहित बलियान को भी कर सकते हैं, बट हम 3 डिफेंडर खिलाएंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि दोनों टीमों का डिफेंस बहुत ही अच्छा है और क्रेडिट भी हमारे पास बहुत बचे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि सुल्तान, जी हाँ सुल्तान को हमने ज़रूर लेना है, क्योंकि सुल्तान जो कि विकास कंडोला जो कि राइट राइट उनके सामने रहेंगे, सुल्तान फजर अल्तरा चली, तो सुल्तान को हमने लेना है। तो गाइस आप बात ये कि हमको 2 और डिफेंडर पिक करने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चांद सिंह जो कि बढ़िया परफॉर्म कर रही है हरियाणा टाइटंस के लिए, तो उनको हमने पिक करना है। और मैं आपको कहूँगा कि आप सुनील को पिक कीजिएगा, क्योंकि सुनील भी बहुत अच्छे राइट कॉर्नर के खिलाड़ी है। देखिए गाइस हमारा प्रीव्यू, जहाँ पर आज हमने 3 रेडर 3 डिफेंडर और एक ही ऑलराउंडर को हिला है। अब आते हैं सेक्शन जहाँ पर हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना है। कैप्टन के लिए आपको चॉइस कहूँगा कि आप विकास कंडोला और अभिषेक सिंह, इन दोनों में से किसी को भी कैप्टन कर सकते हो। और वाइस कैप्टन के लिए आपको कहूँगा कि आप प्रशांत कुमार राय या फिर फजल अत्राचली, इन दोनों में से किसी को भी वाइस कैप्टन कर सकते हो। या फिर दूसरी चॉइस कहूँगा आप विकास कंडोला को कैप्टन और वाइस कैप्टन अभिषेक सिंह, या फिर अभिषेक सिंह कैप्टन और विकास कंडोला वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो गाइज ये है कल जो कि इकलौता मैच होगा हरियाणा टाइटंस बनाम यू मुंबा के बीच ग्रेटर नोएडा में, उसके लिए मेरा मैच प्रेडिक्शन। अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, उस टेलीग्राम सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।